हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए सामान्य विज्ञान बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, जो दोस्तों आपके कदोश्रम में कई बार पूछे गए दोस्तों, और इनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके यहाँ पर सभी ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए। देखिए दोस्तों, आपको बताओ यहाँ पर इंडियन आर्मी में आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर अधिकतर आते हैं दोस्तों, तो इनको आप तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, तो आपको यहाँ पर बहुत ही सहूलियत मिलेगी। और देखिए, हम इनको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, इनके आधार पर अन्य भी जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर वीडियो को देखिएगा और अन्य क्वेश्चनों को भी यहाँ पर जानिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम शो करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम शो करते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एक ऊष्मा का संचरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऊष्मा का संचरण यहाँ पर तीन विधियों से होता है दोस्तों, जिनमें आपका चालन, संवहन और दोस्तों विकिरण होता है। संचरण मतलब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों तीन विधियाँ हो गई आपकी, चालन, संवहन और विकिरण। तो दोस्तों आपका प्रसारण जो होगा, ये आपका यहाँ पर एक ऊष्मा का संचरण नहीं होता है दोस्तों, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, चालन के बारे में आपको जानना है। चालन दोस्तों आपका यहाँ पर ठोसों में ऊष्मा का दोस्तों संचरण होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई छड़ ली दोस्तों, आपने आग में डाली, तो आप यहाँ पर डाले रहते हैं तो पीछे को भी गर्म होती है, तो वो दोस्तों आपका चालन की विधि के द्वारा ही गर्म होता है दोस्तों। और संवहन आपने देखा होगा, संवहन दोस्तों, संवहन के कारण दोस्तों यहाँ पर गैसें और दोस्तों द्रव दोनों ही गर्म होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा यहाँ पर जो हल्के कण होते हैं दोस्तों, जो आपके गर्म कण होते हैं वो आपके हल्के हो जाते हैं और दोस्तों वो आपके ऊपर को चले जाते हैं, और ठंडे कण दोस्तों नीचे आते हैं। आपने देखा होगा पानी उबलता हुआ, तो दोस्तों पानी में भी क्या होता है, आपके गर्म कण ऊपर को आते हैं दोस्तों और ठंडे कण नीचे तल से मिलते हैं, जिससे दोस्तों पानी गर्म होता रहता है। तो इस तरह दोस्तों ये आपका यहाँ पर संवहन विधि होती है। और दोस्तों एक आपका होता है विकिरण। विकिरण में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर मीडियम आपका गर्म नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर जो किरणें चलती हैं वो आपकी एक सीधी लाइन में चलती हैं दोस्तों, सीधी रेखा में चलती हैं। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर विकिरण कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका वही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि से आता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकिरण के द्वारा, या आप कहें रेडिएशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, जल का आयतन गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों। बहुत ही बार पूछा था, देखिए जल का आयतन घटता है या बढ़ता है, या फिर आपका अप्रभावित रहता है दोस्तों, या फिर आपका प्रारंभ में घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। दोस्तों ये आपके यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी द्रव इस तरह के होते हैं जिनको दोस्तों गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, लेकिन दोस्तों जल में क्या होता है, जल में पहले दोस्तों आयतन प्रारंभ में क्या होता है, घटता है आपका, और बाद में दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखिए और यहाँ पर दोस्तों इसका जो क्रम होता है वो आपका दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका घटता है दोस्तों, और फिर ऊपर को जाने पर बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा था दोस्तों कि पानी का, जल का घनत्व कौन से तापमान पर अधिकतम होता है, तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर 4 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आपका आएगा सेंटीग्रेड में, दोस्तों आपका 4 होगा, देखिए आप ध्यान देंगे सेंटीग्रेड में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपका आएगा कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों, घटता है। यदि आपका क्वेश्चन प्रारंभ आया तो प्रारंभ में क्या होता है, तो आपका घटता है और बाद में दोस्तों बढ़ता है। और इस तरह पूछा गया तो दोस्तों आप बोलेंगे कि प्रारंभ में घटता है और बाद में बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता डैश होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए अर्धचालक हमारा होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर अर्धचालक आपके होते हैं जो आपके चालक और कुचालक के बीच के होते हैं दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा चालन करते हैं, इनको गर्म करने पर या फिर इनमें थोड़ा दोस्तों यहाँ पर डोपिंग करने पर ये दोस्तों चालन करते हैं, तो ये अर्धचालक कहलाते हैं दोस्तों। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार के और एक आपके एन टाइप के। तो पी और एन टाइप के यहाँ पर अर्धचालक या फिर आप कहें सेमी कंडक्टर होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम जब ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों में क्या होता है दोस्तों, इनका यहाँ पर देखिए चालकता क्या होगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी या फिर अप्रभावित रहेगी या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ पर चालकता बढ़ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए चालकों में क्या होता है, यदि आप चालकों में तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी चालकता दोस्तों घट जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, चालकों के लिए घट जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों बार बार, तो ये आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सितार यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सितार आपका जो बजाने वाला होता है दोस्तों, वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, डायनेमो करता है। ये भी आपको याद रखना है, डायनेमो का कार्य यांत्रिक को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। और यहाँ पर देखिए, प्रकाश ऊर्जा में बदलने की बात हम करें, तो मान लीजिए मोमबत्ती आपकी है, तो मोमबत्ती आपकी प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में
आप कहाँ पर बदलती है रासायनिक ऊर्जा को। और दोस्तों आपको पता होगा सोलर सेल जो आपके होते हैं, सोलर सेल वो दोस्तों आपके यहाँ पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्य करने की दर को डैडस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, त्वरण या फिर विस्थापन या फिर आपका शक्ति या फिर कार्य। दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए शक्ति कहलाता है दोस्तों, कार्य करने की दर दोस्तों शक्ति कहलाती है, W/T। और यहाँ पर देखिए शक्ति का मात्रक आपका दोस्तों आपको पता होगा वाट होता है आपका। और दोस्तों यहाँ पर जो त्वरण होता है, त्वरण दोस्तों आपका वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर V/T। और विस्थापन दोस्तों आपका यदि हम वस्तु की दोस्तों स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वो आपका विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर वस्तु यहाँ पर थी तो आपने यहाँ पर कर दी दोस्तों, ये आपका यहाँ पर इतना जो हुआ ये आपका विस्थापन कहलाता है दोस्तों। विस्थापन एक प्रकार की क्या होगी, आपकी दूरी हो गई। और कार्य दोस्तों आपको पता होगा कार्य W=, क्या होता है Fs दोस्तों, Fs कहें या फिर आप Fa कहें, मतलब बल गुणा विस्थापन। जब आपके द्वारा बल लगाया जाता है दोस्तों और उसमें विस्थापन हो गया तो वहीं पर आपका कार्य कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अश्व शक्ति दोस्तों बहुत ही बार पूछा था दोस्तों, अभी हमने जो गत वर्षों में जो आपके एग्जाम अभी कराए थे उनमें सभी में दोस्तों लगभग ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक अश्व शक्ति डैडेस W के तुल्य है, कितने W मतलब वाट के तुल्य है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर 746 या फिर आपका 50 या फिर आपका 1000 या फिर दोस्तों कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला 746 दोस्तों, इतने वाट के बराबर दोस्तों एक HP आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 1000 जो है ये दोस्तों आपका यहाँ पर 1 kW बराबर दोस्तों 1000 वाट आपके होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये आपका नाभिक संलयन या फिर नाभिक विखंडन या फिर आपका दोनों ए और बी या कोई नहीं। दोस्तों देखिए परमाणु बम जो है ये आपका यहाँ पर नाभिक विखंडन पर आधारित है दोस्तों, ये आपको बहुत ही याद रखना है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा था दोस्तों। और आपका जो दोस्तों हाइड्रोजन बम होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, हाइड्रोजन बम दोस्तों ये आपका यहाँ पर संलयन पर आधारित होता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए परमाणु बम बनाने के लिए दोस्तों आपका यूरेनियम 235 और दोस्तों प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कभी कभार आपका ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सूर्य और तारों के दोस्तों चमकने का कारण होता है दोस्तों वो आपका नाभिकीय संलयन होता है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपका भारी जल या सामान्य जल या फिर दोस्तों आपका आयरन की छड़ या फिर आपका कैडमियम। दोस्तों यहाँ पर आपका भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इनको दोस्तों रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक दोस्तों जो आपके न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉनों को धीरे करने के लिए, धीमा करने के लिए दोस्तों भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कैडमियम छड़ का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर नियंत्रक के रूप में किया जाता है रिएक्टर को दोस्तों यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, तो ये कैडमियम छड़ का इस्तेमाल है। तो मंदक के लिए आपका भारी जल का दोस्तों, मंदक भारी जल का जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों केमिकल, वो आपका D2O होता है, जहाँ पर दोस्तों आपका डी क्या है, ड्यूटेरियम है, जो दोस्तों हाइड्रोजन का एक क्या होता है, समस्थानिक होता है। और समस्थानिक क्या होता है दोस्तों, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और भार भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, समस्थानिक क्या कहलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, पीले कागज़ को लाल किरणों के ऊपर रखने में दोस्तों रंग किस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पिछली बार पूछा गया था कि यदि हम लाल बल्ब के ऊपर दोस्तों या फिर हरे बल्ब के ऊपर लाल पेपर को रखें तो किस तरह दिखाई देगा, तो दोस्तों इस तरह का ही क्वेश्चन है ये भी आपका। जब दोस्तों हम पीले कागज़ को लाल किरणों के ऊपर रखेंगे दोस्तों ये आपका काला दिखाई देगा, और यहाँ पर दोस्तों यदि नीले कागज़ के ऊपर लाल को रखेंगे तब भी दोस्तों काला ही दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है इनके लिए काला आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक स्रोत के प्रकाश की किरणों का अध्यारोपण क्या कहलाता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर एक स्रोत है ऊर्जा का, यहाँ से किरणें निकलती हैं और दोस्तों ये किरणें कहीं पर अध्यारोपित होती हैं या फिर आपकी टकरा जाती हैं दोस्तों, तो इनको दोस्तों क्या कहते हैं, ये वाला आपका केस क्या कहलाता है ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपका व्यतिकरण कहलाता है या फिर आपका ध्रुवण या परावर्तन या फिर अपवर्तन। ये दोस्तों आपके प्रकाश की दोस्तों व्यतिकरण की घटना कहलाती है, व्यतिकरण आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब भी आपके यहाँ पर किरणें काटेंगी ये दोस्तों यहाँ पर काट के इनकी गति दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगी या फिर आपकी घट जाएगी, तीव्रता को बढ़ना घटना दोस्तों यही आपका व्यतिकरण कहलाता है। और दोस्तों ध्रुवण क्या कहलाता है, देखिए ध्रुवण में दोस्तों आपका प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कोई होल होता है वहाँ से मुड़ करके अंदर आती हैं, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर ध्रुवण कहलाता है जो आपका झुकाव होता है दोस्तों। परावर्तन दोस्तों आपका किरणें यहाँ पर टकरा के लौटती हैं, ये आपका परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन, तो ये भी दोस्तों आपके यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष
के निवारण के लिए दोस्तों कौन से वाले लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आपको निकट दृष्टि का पता होगा दोस्तों, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती तो दोस्तों वो आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग उल्टा होगा दोस्तों, बिल्कुल निकट में यहाँ पर किया जाता है तो दोस्तों वहाँ पर आपका दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इस वीडियो का, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है दोस्तों, कितना गुना होता है? ये दोस्तों आपका यहाँ पर 6 गुना, या फिर 1/6 गुना, या फिर आपका 1/2 गुना, या फिर आपका 2 गुना। दोस्तों ये आपका यहाँ पर 1/6 गुना होता है, और ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, 1/6 गुना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपका यहाँ पर कोई भी भार पृथ्वी में जितना भी होता है दोस्तों, वो चंद्रमा में ले जाने पर 1/6 हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा आता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर दोस्तों भार, यहाँ पर भार, क्योंकि भार बराबर दोस्तों आपका होता है एम जी, जहाँ पर जी दोस्तों यहाँ पर प्रभावित होता है, तो दोस्तों इसे आप जब पृथ्वी से चंद्रमा में ले जाएंगे, ये आपका दोस्तों 1/6 हो जाता है। और द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यदि हमारा द्रव्यमान पृथ्वी पर एम है तो पृथ्वी का यहाँ पर चंद्रमा पर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भार पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको अंतर पता होना चाहिए, आपका भार बराबर आपका एम जी होता है दोस्तों, और द्रव्यमान आपका एम होता है। तो दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जीएस के दोस्तों। दोस्तों आपको हमने इनके माध्यम से अन्य क्वेश्चन को बताया जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दोस्तों। तो इस तरह हम लगातार आपको बताते जाएंगे और भी अन्य यहाँ पर टॉपिकों को दोस्तों। आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।